स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसी भी जेट क्लासेज में। मैं पवन चौधरी केशवन कैरियर पॉइंट सीकर कोचिंग में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। हमने कोचिंग की तरफ से ऑनलाइन वीडियो केमिस्ट्री के स्टार्ट कर रखे हैं, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको। नमस्कार, मैं पवन चौधरी। जैसा कि हम डेली 20 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं टॉपिक वाइज, तो हमारा सेकंड 20 क्वेश्चन का हम लेकर रहे हैं टॉपिक से, और अपन का जो टेस्ट रहेगा 20 क्वेश्चन का, उसका सॉल्यूशन शाम को 8 बजे और टेस्ट सुबह 8 बजे डेली रहेगा। सुबह 8 बजे हम टेस्ट डालेंगे और उसका सॉल्यूशन शाम को 8 बजे मिलेगा। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला, एथाइन में त्रिबंध निर्मित होता है 3 सिग्मा बंधों से, 3 पाई बंधों से, 1 सिग्मा तथा 2 पाई बंधों से, 2 सिग्मा तथा 1 पाई बंध से। दूसरा क्वेश्चन, फ्लोरीन अणु के बनने में बंध होगा SS अतिव्यापन के कारण, SP अतिव्यापन के कारण, PP अतिव्यापन के कारण, संकरण के कारण। तीसरा क्वेश्चन, निम्न प्रकार के अतिव्यापन द्वारा एक पाई बंध का निर्माण होता है। ए SS कक्षकों का अक्षीय अतिव्यापन, PP कक्षकों का पार्श्विक अतिव्यापन, PP कक्षकों का अक्षीय अतिव्यापन, SP कक्षकों का अक्षीय अतिव्यापन। एक युग्म बंध 2 परमाणुओं को जोड़ता है, उसमें सहभाजित इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन। फिर पांचवा क्वेश्चन देखो, ओजोन अणु के कोणीय आकार में होते हैं 1 सिग्मा तथा 1 पाई बंध, 2 सिग्मा तथा 1 पाई बंध, 1 सिग्मा तथा 2 पाई बंध, 2 सिग्मा तथा 2 पाई बंध। छठवां क्वेश्चन, सबसे छोटा कार्बन कार्बन बंध उपस्थित है SPSP, SP2SP, SP2SP2, SP3SP। सातवां क्वेश्चन है, जल के अणु में बंध कोण लगभग होता है, ऑप्शन है 120 डिग्री, 180 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट, 104 डिग्री 30 मिनट। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित BF3, NH2- NO2- तथा H2O अणुओं या आयनों में से किसमें केंद्रीय परमाणु SP2 संकृत है, ऑप्शन है NO2- तथा NH2-, NH2- तथा H2O, NO2- तथा H2O, BF3 तथा NO2-। तो फिर नवां क्वेश्चन देखो, कौन सा अणु रेखीय है, NO2, ClO2, CO2, H2S। दसवां क्वेश्चन, निम्न में से किस अणु में त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति है, IF3, PCl3, NH3, BF3। एक sp3 संकृत कक्षक में होता है, ऑप्शन है 1/4 एस लक्षण, 1/2 एस लक्षण, 2/3 एस लक्षण, 3/4 एस लक्षण। बारहवां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रजाति के किस युग्म में दोनों प्रजाति की ज्यामिति समान है, ऑप्शन है CO2 SO2, NH3 BF3, CO3 2-, SO3 2-, SO4 2-, ClO4-। तेरहवां क्वेश्चन है, sp3d संकरण द्वारा बनने वाले यौगिकों की संरचना होगी, ए ऑप्शन है समतलीय, पिरामिडीय, कोणीय, त्रिभुजीय, द्विपिरामिडीय। निम्न में से अगला क्वेश्चन 14, निम्न में से किस बंधन में केंद्रीय परमाणु sp3 संकृत कक्षक का प्रयोग नहीं करता, ऑप्शन है BeF3- OH3+ NH2- NF3। पंद्रहवां क्वेश्चन, OF2 अणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना संकृत है, ऑप्शन है SP SP2 SP3 SP3d। सोलहवां क्वेश्चन है, HCF4 अणु की आकृति है, ऑप्शन है रेखीय, पिरामिडीय, चतुष्फलकीय, वर्ग समतलीय। सत्रहवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस संकरण के लिए बंध कोण अधिकतम है, ऑप्शन है SP2 SP SP3 DSP2। तो 18वां क्वेश्चन देखो फिर, CH बंध की दूरी दीर्घतम है, ऑप्शन C2H2 C2H4 C2H4 Br2 C6H6। 19वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्पीशीज में sp3 संकरण सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन है NH3 CH4 H2O CO2। 20वां क्वेश्चन है, HCF4 में संकरण है sp3 sp3d sp3d2 sp3। तो आज के ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, इसका सॉल्यूशन है आपको शाम को 8 बजे मिलेगा। डेली 20 क्वेश्चन सुबह 8 बजे, इनका सॉल्यूशन शाम को 8 बजे मिलेगा, ठीक है। और आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सबके आंसर देने हैं, ठीक है, धन्यवाद।